السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صلوات على محمد وعلى آله परवरदिगार आलम का एहसान अजीम है और उसका शुक्र है कि उसने हमें बोलते हुए कुरान के ज़रिए खामोश कुरान की मारिफत अता फरमाई है और हम बोलते हुए कि इत्तिबा के कायल हैं, हम बात करते हुए कि इत्तिबा के कायल हैं। हम उनमें से नहीं हैं कि जब पैगंबर दो चीज़ें छोड़कर जा रहे थे, एक कुरान और एक अहले बैत, तो उम्मत ने खामोश चीज़ को तो ले लिया, बोलती हुई चीज़ को छोड़ दिया। इसलिए कि अल्लामा हज़रत ज़ैदी अल्लाह मक़ामहू ने जुमला इरशाद फरमाया था कि चूँकि ना बोलते हुए खुदाओं को मानने की आदत थी, खामोश खुदाओं को मानने की आदत थी, तो इसलिए किताब ले ली कि जो बोलती ही नहीं है और ऐसे को नहीं लिया कि जो बोलता है। इसलिए कि उन्हें हदबंदी करने वाला, तहद्दी करने वाला नहीं चाहिए था, उन्हें सरजनिश करने वाला नहीं चाहिए, उन्हें कुछ राह बताने वाला नहीं चाहिए। इसलिए देखिए पैगंबर ने, अभी शाम की एक मजलिस में मैंने अर्ज़ किया कि पैगंबर अपने दौर में अपने आप को उसवे अमल छोड़ कर गए और अल्लाह ने कह दिया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की ज़ात बेहतरीन नमूना अमल है। देखिए ये भी कह सकता था कि तुम्हारे लिए कुरान बेहतरीन नमूना अमल है, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए कुरान बेहतरीन नमूना अमल है, कहा तुम्हारे लिए रसूल की ज़ात, हमारे महबूब की ज़ात बेहतरीन नमूना अमल है। यानी यहीं से बताया कि खामोश कुरान उस वक्त तक किसी के काम का नहीं है कि जब तक बोलता हुआ उसकी तफसीर ना करे, जब तक बोलता हुआ कुरान उसकी तावील ना करे। खामोश कुरान तो हिंदू के घर में भी रखा जाता है, हिंदू की लाइब्रेरी में भी कुरान रखा हुआ है, जैसे हमारी लाइब्रेरियों में भगवत गीता रखी हुई है, जैसे हमारी लाइब्रेरियों में इंजील और तौरात रखी हुई है, वैसे ही वो पढ़ने के लिए कुरान भी रख लेते हैं। ईसाई भी पढ़ते हैं, यहूदी भी पढ़ते हैं, बुद्ध परस्त भी पढ़ते हैं, तो क्या उनका पढ़ना और मुल्ला का पढ़ना बराबर हो जाएगा? मौलवी भी पढ़ रहा है और पंडित भी पढ़ रहा है। एक और फरमाया आपने, मौलवी भी पढ़ रहा है और पंडित भी पढ़ रहा है। तो देखना यह है कि पढ़ने में फ़र्क है। पढ़ना उस वक्त तक किसी काम का नहीं है, पढ़ने का सवाब अलग है, देखकर पढ़ने का सवाब अलग है। लेकिन जब इंसान अपनी राह अमल मुतय्यन करने लगे तो हर किताब एक शारह का तकाजा करती है, कि हर किताब एक शारह का तकाजा करती है। यानी आप अपने घर में जब बच्चे को पढ़ना शुरू करवाते हैं तो उसे किताब दे के खुद नहीं हट जाते, बल्कि किताब दे के पढ़ाते भी हैं। यानी किताब सिर्फ अपने आप को नहीं पढ़ा लेती, बल्कि पढ़ाने वाला भी चाहिए। तो पैगंबर अपने अपने हद में अपनी ज़ात को नमूना अमल करार दिया, अल्लाह ने पैगंबर की ज़ात को नमूना अमल करार दिया। यानी और एक यानी जुमले में और एक मिनट में मैं आपके हवाले एक पूरा तारीखी तसलसल करने की इजाज़त चाहता हूँ कि तारीख में बड़े बड़े तारीख ने वाक़यात देखे हैं, तारीख में बड़े बड़े अलमिया देखे हैं। एक सबसे बड़ा अलमिया तारीख का, इससे बड़ा कोई अलमिया हो ही नहीं सकता। करबला तो यकीनन सबसे बड़ा वाक़या है तारीख का, लेकिन करबला से पहले माक़ब्ल करबला तारीख का सबसे बड़ा अलमिया जो गुजरा है वो मैं आपके हवाले करता हूँ। उससे बड़ा कोई अलमिया नहीं गुजरा। यानी कुरान पर भी वो जुल्म था और वारिस कुरान पर भी जुल्म था, वो इस्लाम पर भी जुल्म था और वो ईमान पर भी जुल्म था, वो शरीयत पर भी जुल्म था और वो फ़िक़्ह पर भी जुल्म था। ये जुमले आप याद रखिएगा। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने कहा कि रसूल की ज़ात में मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल छोड़कर जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि रसूल का इत्तबा किया जाए, और रसूल का इत्तबा किया जा सकता है। रसूल के जैसा यानी कोई बन तो नहीं सकता, लेकिन रसूल का उसवा अपनाया जा सकता है। जैसे रसूल चले वैसे चला जा सकता है, जैसे रसूल खाएं वैसे खाया जा सकता है, जैसे रसूल पिए वैसे पिया जा सकता है, जैसे रसूल बात करें वैसे बात की जा सकती है, जैसे रसूल दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे थे वैसे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, जैसे रसूल का रवैया पड़ोसियों के साथ रहा वैसा रवैया रखना चाहिए, जैसे रसूल का रवैया बच्चों के साथ रहा वैसा रवैया रखना चाहिए। ये तमाम मुआशरत के तरीक़े पैगंबर उम्मत को देकर गए। अब इसके साथ साथ पैगंबर ये बता के भी गए कि मैं मदीने की रियासत की बुनियाद रख रहा हूँ, रियासत इलाहिया की बुनियाद रख रहा हूँ, हुकूमत इलाहिया की बुनियाद रख रहा हूँ। हुकूमत इलाहिया का सरबरा कैसा होना चाहिए, इतना बड़ा अहम मौजू आपके हवाले कर रहा हूँ, मेरे साथ बात करते चलिए। हुकूमत इलाहिया, रियासत इलाहिया और सियासत इलाहिया का जो रहनुमा है, जो सदर है और जो उसका कायद और रहबर है, वो कैसा होना चाहिए? तो पैगंबर ने बताया मुझ जैसा होना चाहिए। सलामत रहें, सलामत रहें आप। अगर ये अहम दकीक बातें जो आपके हवाले कर रहा हूँ, पैगम्बर ने रियासत पर हुकूमत करके बताया कि रियासत का सरबरा मुझ जैसा होना चाहिए। अब पैगम्बर की रियासत कैसे चल रही थी? अदलो इंसाफ पर चल रही थी। पैगम्बर खुद मौजूद हैं अदल करने के लिए, पैगम्बर खुद मौजूद हैं शरीयत की बातों की तशरीह करने के लिए, पैगम्बर खुद मौजूद हैं फ़िक़्ह समझाने के लिए, पैगम्बर खुद मौजूद हैं आयात सुनाने के लिए, पैगंबर खुद मौजूद हैं आयत की तफसीर समझाने के लिए, पैगंबर खुद मौजूद हैं नमाज पढ़ाने के लिए, पैगंबर खुद मौजूद हैं रूह नमाज बताने के लिए, पैगंबर खुद मौजूद हैं हैं रोज़ा रखवाने के लिए पैगंबर खुद मौजूद हैं कि रोज़ा कैसे खोला जाए और कैसे रखा जाए। पैगंबर हर शरीयत की बात बताने के लिए मौजूद हैं और पैगंबर रियासत का इंतज़ाम किसी तख्त पर बैठकर नहीं चला रहे, किसी कुर्सी पर बैठकर नहीं चला रहे, मस्जिद नबवी के टाट के मसनद पर बैठकर इतनी बड़ी इस्लामी रियासत को चला रहे हैं कि वहाँ अजिल्ला असहाबे किराम भी पैगंबर के सामने अपने मुकदमात लेकर आते हैं तो पैगंबर ही फैसला करते हैं। बात पहुंच रही है? यानी इतनी बड़ी रियासत जो पैगंबर ने कायम की, इतनी बड़ी नबूवत जो पैगंबर ने कायम की, इतनी बड़ी रिसालत जो पैगंबर ने कायम की, उसके फैसले, उसका आईन, उसका कानून, उसकी स्ट्रेटजी, उसके इंतजाम पैगंबर मस्जिद नबवी में चटाई के मसनद पर बैठकर हल करते थे। यानी बताया कि एक सरबराह को कैसा होना चाहिए, एक सरबराह को कैसा होना चाहिए। और फिर सरबराह भी हैं, फाका भी कर रहे हैं, इतने सलामत में। सरबराह भी हैं, फाका भी कर रहे हैं, सरबराह भी हैं और उसके साथ साथ वो उमूर भी अंजाम दे रहे हैं कि जो उमूर उमूर खानादारी कहलाते हैं। अज़वाज में अदलो इंसाफ, औलाद में अदलो इंसाफ, असहाब में अदलो इंसाफ, तवज्जो फरमाने, यानी मुआशरे में अदल इंसाफ भी बरत रहे हैं और हुकूमत के फैसले बोरिये पर बैठकर हो रहे हैं, फाके भी कर रहे हैं, साइल आ रहा है तो उसकी ज़रूरत को पूरा भी कर रहे हैं, फ़कीर आ रहा है तो उसकी ज़रूरत को पूरा भी कर रहे हैं, बेलिबास आ रहा है तो उसे लिबास भी अता फरमा रहे हैं। यानी पैगम्बर ने बताया कि ये किसी इंसान को जो तख्ते हुकूमत है या जो मसनद हुकूमत है उसको पुरतायुश जगह नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी सरबराह पर पूरी रियाया के हवाले से आयद होती है कि हर रियाया का फर्द उस सरबराह के जेर नगी और उसकी रियाया में। इसलिए चूँकि वो वली रियासत है, विलायत उसके पास है, तो अब कायनात में जहाँ जहाँ तक इस हुकूमत की हदें जा रही हैं हर शख्स की ज़रूरत पूरी करना वाली रियासत का काम है। तो पैगंबर अपने तय अपने आप को एक आइडियल हस्ती बनाकर और छोड़ कर गए और बताया कि सर से लेकर पाँव तक मैं आइडियल, सर से लेकर पाँव तक मैं उसवा हसना का मालिक हूँ। अब बताया कि देखो मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, आप सबसे बता रहे हैं और जो रख रहे हैं आप, मैं जाने वाला हूँ। मैंने तीसरी तकरीर में एक जुमला कहा था कि पैगंबर अपने दौर में नुक्ते इत्तेहाद उम्मत थे, तीसरी तकरीर मैंने अर्ज किया था, और अपने बाद भी एक नुक्ता इत्तेहाद उम्मत छोड़ कर गए, ये ज़रूरी था, ठीक है। अब पैगंबर अपने दौर में, अब मैं ज़ाविया बदल कर जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, पैगंबर अपने दौर में उम्मत के लिए नमूने अमल थे। तवज्जो है? पैगंबर अपनी ज़िंदगी में उम्मत के लिए उसवाए हसना थे, आइडियल थे। पैगंबर को अल्लाह ने आइडियल बनाया। जो यहाँ पर साइंस के तलबा बैठे हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे पास आइडियल के स्टैंडर्ड्स तो मौजूद हैं लेकिन कोई चीज़ आइडियल है नहीं, कोई चीज़ 100% नहीं है, यानी 99.99% होता है, कोई चीज़ भी 100% नहीं कहलाती। लेकिन लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को 100% बनाया, यानी कहीं से भी कोई कजी नहीं है, कहीं से भी कोई कमजोरी नहीं है, कहीं से भी कोई ऐब नहीं है, कहीं से तो कोई नक्श नहीं है, कहीं से भी कोई पैगंबर पर अंकुश नुमाई नहीं कर सकता। तो अपने दौर में पैगंबर उम्मत के लिए नमूना अमल थे। उठना है तो इनकी तरह, बैठना है तो इनकी तरह, अदल करना है तो इनकी तरह, इंसाफ करना है तो इनकी तरह, बोलना है तो इनकी तरह, पहनना है तो इनकी तरह, ओढ़ना है तो इनकी तरह, चलना है तो इनकी तरह, फिरना है तो इनकी तरह, रुकना है तो इनकी तरह, बाल काटना है तो इनकी तरह, खाना खाना है तो इनकी तरह, पानी पीना है तो इनकी तरह, बातें करना है तो इनकी तरह, मुआशरत इनकी तरह, मईशत इनकी तरह, सोशल वैल्यूज़ इनकी तरह, इमरानियात इनकी तरह, इल्म इनकी तरह, इल्म इनकी तरह, इखलाक इनकी तरह, सीरत इनकी तरह, किरदार इनकी तरह, हिमायल इनकी तरह, शमायल इनकी तरह, सब कुछ ऐसा बन जाओ। तो अपनी ज़िंदगी में रसूल खुद उसवाए हसना थे। अब मैं पूछना चाहता हूँ उम्मत से कि रसूल जा रहे थे और रसूल जा रहे थे और रसूल इस दुनिया से जाने वाले थे, तो अब क्या उसवाए हसना ख़त्म हो जाएगा? सवाल पैदा हो रहा है, क्या उसवा हसना खत्म हो जाएगा? तो अब पैगंबर के लिए ज़रूरी है कि अपने बाद कोई ऐसा तरबियत याफ्ता, खुसूसी तरबियत याफ्ता छोड़ कर जाए कि जिस पर जिसकी पैरवी करना वैसा ही हो जैसे पैगंबर की पैरवी की गई। इतनी मुश्किल बात नहीं। अब ज़रूरी है अल्लाह पर भी और रसूल पर भी कि अपने बाद कोई ऐसा छोड़ कर जाए, कोई ऐसा छोड़ कर जाए कि जो इनके बाद नमूने अमल हो, इनकी तरह खाता हो, इनकी तरह पीता हो, इनकी तरह चलता हो, कद भी इनकी तरह, हिमाल भी इनकी तरह, शिमाल भी इनकी तरह, पीना भी इनकी तरह, खाना भी इनकी तरह, गेसू भी इनकी तरह, अबरू भी इनकी तरह। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कुछ लोग गर्दन झुका के बैठ गए। देखिए, मैं एक फिक्री गोशा आपके हवाले कर रहा हूँ और तारीख का एक बहुत बड़ा अलमिया, मैंने कहा मैं इस जुमले को याद रखिएगा और वो आपके हवाले करूँगा, लेकिन ये तमहीदन कुछ जुमले आप पहले सुन लें, क्योंकि ये तकरीर लाइव जा रही है और कई मकामात पर देखी जा रही है। तो जो लोग बैठ कर सुन रहे हैं, जो अफकार के हामिल हैं और जो फिक्र करने की सलाहियत रखते हैं, आदत रखते हैं, उन तक एक जुमला कि भाई पैगंबर अपने बाद अपने जैसा छोड़ कर जाएंगे। ज़रूरी है इसलिए कि उसवा हसना ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि कुरान की ये आयत आज भी मौजूद है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। इस वक्त अगर मैं ये आयत पढ़ता हूँ तो रसूल तो मेरे सामने है नहीं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल के साथ बेहतरीन नमूना अमल। आप कहेंगे कि किताबों में लिखा हुआ रसूल कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, तो मैं कहूँगा किताबों में तो उस वक्त से लिखा हुआ है जब रसूल इस दुनिया से चले गए, तब भी किताब में लिखा हुआ था, तब भी रसूल के चाहने वाले रसूल की सीरत को याद किए हुए थे। तो कोई मिला उन जैसा? अभी अर्ज करूँगा, तो कोई इधर उधर का मिला उन जैसा जिसने किताब से पढ़कर रसूल का उसवा अपनाया हो? आज के जुमला पहुंच जाए। कुरान ने तो एक उसवा लिखा है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। कुरान में तो एक आयत में लिखा है कि तुम्हारे लिए रसूल की ज़ात बेहतरीन नमूना अमल है, लेकिन उम्मत ने 73 उसवा अमल बना लिए हैं। हर फिरके का अलग उसवा हसना है, हर फिरके का अलग उसवा हसना है। आप जाके पढ़ लीजिए, कोई किसी तरह पैगंबर के हिमायल लिखता है, कोई किसी तरह पैगंबर के शिमायल लिखता है, किसी ने पैगंबर की ज़ात से कुछ और जो है मंसूब कर दिया है, किसी ने पैगंबर की ज़ात से कुछ और मंसूब कर दिया है। मेरा अर्ज़ करना ये है और मेरी फिक्र ये है कि पैगंबर ज़रूरी है कि कोई ना कोई उसवाए अमल छोड़ कर जाए, इसलिए अपने बाद एक खुसूसी तरबियत याफ्ता किरदार पैगंबर ने 23 बरस में तैयार किया। तरह सलामत रहा। पैगंबर ने 23 बरस में एक खुसूसी तरबियत याफ्ता किरदार तैयार किया और 23 बरस उम्मत को बार बार उस किरदार को दिखाया, उम्मत को बार बार समझाया, उम्मत को बार बार बताया ये किरदार तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। बार बार पैगंबर ने कहा इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका लहू मेरा लहू है, इसकी हड्डियाँ मेरी हड्डियाँ हैं। 23 बरस पैगंबर ने अली को दिखाया कि ये है मेरा तरबियत याफ्ता, ये है मेरे उसवा अमल पर बेअनही अमल करने वाला, इसलिए कि इसे बचपन में मैंने खिलाया है, बचपन से मेरी आगोश में पला है। ये तो काबे में इसने आँख ही मेरी आगोश में खोली है, काबे में इसने आँख ही मेरी आगोश में खोली है। तो ये 23 बरस पैगंबर ने बताया कि अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का लहू मेरा लहू है, अली की हड्डियाँ मेरी हड्डियाँ हैं, अली का जिस्म मेरा जिस्म है, अली का बदन मेरा बदन है, अली की अक्ल मेरी अक्ल है, अली का नूर मेरा नूर है, अली की रूह मेरी नूर मेरी रूह है, अली मैं हूँ और अली मैं हूँ और मैं अली हूँ। और फिर पैगंबर ने ये कहा कि देखो कोई भी रियासत बगैर इल्म नहीं चल सकती, बगैर इल्म नहीं चल सकती, जाहिल रियासत को नहीं चला सकता। इसलिए कहा कि अना मदीनतुल इल्म अली का बाबा बता दिया कि शहर इल्म का दरवाज़ा अली। अब वो अलहदा बात है कि कोई खिड़की बन जाए, कोई परनाला बन जाए, कोई छत बन जाए। देखिए खिड़की बनता है तो बन जाए, परनाला बनता है तो बन जाए, छत बनता है तो बन जाए, लेकिन दरवाजे की जो अहमियत है वो कम नहीं की जा सकती। समझ फरमाए आप? तो अब मेरे अजीजों पैगंबर ने अली अली की सीरत को तरतीब दिया, अली की सीरत को तरतीब दिया और दावत जुलशीरा से लेके और मदीर तक अली का तारुफ कराया। 23 बरस उम्मत के कानों में अली खोल दिया, सलामत रहे। और जो उन 23 बरसों में पैदा हुए, जो नबूवत के 23 बरसों में बच्चे पैदा हुए, उनकी माओं से कहा घुट्टी में कुछ और देने के बजाय अली पिला देना, अली पिला देना, घुट्टी में अली पिला। तो 23 बरस अली का तारुफ कराया और इसलिए तारुफ कराया कि अगर कोई किसी तक मेरा परसेप्शन पहुंचता है, कोई अगर, मैं जानबूझ के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ नहीं तो मैं अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, अगर कोई मेरा रेप्लिका है तो वो अली, तो वो अली। अगर कोई मेरा साया है तो वो अली है, अगर कोई मेरी परछाई है तो अली है, अगर कोई मेरा आईना है तो अली है। इसलिए कहा मेरा पहला भी मोहम्मद, कहा ना कि हम सब के सब मोहम्मद है। तो अब पैगंबर मोहम्मद बाद मोहम्मद छोड़कर जा रहे हैं। इतनी तारीफें की, इतनी तारीफें की कि अली का तारुफ करा दिया। आप समझ गए सब कि ये अपने बाद मसनद खाली छोड़ने के मूड में नहीं है, ये अपने बाद अली को बिठा कर जाएंगे। और बार बार कह दिया था कि अली मेरे बाद जो है वो तुम्हारा इमाम, बार बार कहा कि मेरे बाद तुम्हारा इमाम। और अली उन आलम उम्मती, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली, सबसे बड़ा आलिम अली। तो बता दिया, सब समझ गए कि भाई ये अली को छोड़कर जा रहे हैं और इनके बाद यकीनन अली ही को बैठना है, सब ये समझ रहे थे। और तारीख ने फिर उसके बाद और आप उल्टे, पैगंबर उसवा छोड़ कर गए, सीरत छोड़ कर गए, सीरत छोड़ कर गए। अब मैं आपको बीच के तमाम अदवार पार करता हूँ, इसलिए कि बीच के अदवार बड़े हसास हैं, उनका जिक्र करना जुर्म है। मैं आपको लेकर चलता हूँ सुबह से शाम की तरफ। शाम में 40 बरस या 70 बरस अली के जिक्र पर पाबंदी रही, अली के जिक्र पर पाबंदी रही। अली को नाउज़ुबिल्लाह सब को शितम किया जाता रहा। अली के जिक्र पर पाबंदी, अली के फजाइल पर पाबंदी, अली की शान में लिखी गई अहादीस को दोहराने पर पाबंदी, यानी मुसलसल जिक्र अली पर पाबंदी। इतना अली को भुला दो कि कोई ये जान ही ना पाए कि अली नाम की कोई शख्सियत थी भी या नहीं। नहीं समझे आप भाई? उस वक्त जो भी मीडिया रहा होगा, जो भी मीडिया रहा होगा, उस मीडिया पर बैन था कि जिक्र अली किया जाए। हुकूमतों ने मीडिया पर जिक्र अली बैन किया हुआ था कि जिक्र अली नहीं होगा, अली की फजीलत नहीं पढ़ी जाएगी, कहीं से भी अली की फजीलत नहीं पढ़ी जाएगी। अब ये है तारीख का वो अलमिया कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि करबला से पहले जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि जिक्र अली पर पाबंदी लगाई गई। वजह सिर्फ ये थी कि अगर अली की फजीलत बयान की जाए तो इसका मतलब है कि पैगंबर जो स्टैंडर्ड्स छोड़कर गए हमें उन्हीं को अपनाना पड़ेगा, और जब अपनाना पड़ेगा तो अली सामने आ जाएंगे। मैंने पता नहीं समझा सका कि नहीं समझा सका। पैगंबर जितने भी मयारात उस्वा हसना के छोड़ कर गए वो अली की जात में पहले से मौजूद है, और अगर अली का जिक्र हुआ तो फिर अली तो वही स्टैंडर्ड्स बयान करेंगे जो रसूल छोड़ कर गए। लिहाजा अली ही के जिक्र पर पाबंदी लगा, लिहाजा अली को ही इस काबिल न जाना जाए कि अली का जिक्र किया जाए। लेकिन मैं क्या करूं कि 40 बरस एक तरफ, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, मसायद नहीं पढ़ रहा। 40 बरस जिक्र अली पर पाबंदी रही एक तरफ, और शाम के दरबार में ज़ैनुल आबदीन और ज़ैनब का खुतबा एक तरफ। सलामत रहे। मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को। ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को, खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों की जुल्फकार से मारा यजीद को। इतना अली को पहचान पा दिया था कि इतनी कोशिश की गई कि अली का जिक्र ना होने पाए, अली की फजीलत ना बयान की जाए, अली के फजाइल ना पढ़े जाए। तो अब ये अली के फजाइल ना पढ़ना ये क्या था, ये क्या था? जहाँ से मैंने बात शुरू की और मैं एक लफ्ज़ कहूँगा आप उस रिवायत तक पहुँच जाएंगे कि शाम वाला पहुँचा मदीने, उसी दौरान जब जिक्र अली पर पाबंदी थी तो शाम वाला मदीने पहुँचा और पहुँचने के बाद उसको मालूम हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फ़ज़ाइल अली बयान करते हैं, अली की फजीलत बयान करते हैं। तो ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास पहुँचा और इन्होंने कहा कि भाई मैंने सुना है तुम फ़ज़ाइल अली पढ़ते हो। कहाँ पढ़ता हूँ? कहा तुम्हें पता नहीं, मैंने मना किया कि अली की फजीलत बयान नहीं की जाएगी, अली के फजाइल नहीं पढ़ा करो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा जो तुम कहना चाहते हो वो कहो। कहा मैं कह तो रहा हूँ कि अली की फजीलत नहीं पढ़ो। कहा नहीं, ये नहीं कह रहे तुम जो कहना चाहते हो वो कहो। कहा मैं कह तो रहा हूँ कि अली की फजीलत ना पढ़ो। कहा भाई तुम जो कहना चाहते हो वो कहो, वो नहीं कह रहे। झुझलाकर उसने कहा कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा तुम ये नहीं कह रहे कि अली के फजाइल ना पढ़ो, बल्कि तुम ये कह रहे हो कि कुरान ना पढ़ो। यानी एक सहाबी मोहतरम की निगाह में जिक्र अली पढ़ना ऐसा ही है जैसे कुरान की आयतें पढ़ना। एक मुक़तदर सहाबी की निगाह में अली के फजाइल पढ़ना ऐसा ही है कि जैसे कुरान पढ़ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि कुरान ना पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, और बस ये है कि तफसीर वो वाली बयान ना करो, तफसीर वो वाली बयान ना करो जो बनी हाशिम बयान करते हैं, जो ये लोग बयान करते हैं। तो सुनेंगे जुमला क्या था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने क्या जवाब दिया? का ये कैसे हो सकता है कि कुरान उतरे तो बनी हाशिम के शहर में और तफसीर बनो उमैया वाली बयान की जाए? तो ये अली का जिक्र नहीं छुपाया गया, ये उस्वा-ए रसूल छुपाया गया, उसमें रसूल छुपाया गया। यानी अगर वो अली को सरबराह मान लेते तो अली की सरबराही का मयार क्या था? अली ने सरबराही के मयारात नाफिज किए और स्टैंडर्ड्स अली ने बताए कि सरबराह मुमलिकत के मयारात क्या होते हैं। जब अली के पास खिलाफत आ गई और उम्मत ने ज़बरदस्ती अली को खलीफा बना दिया, उम्मत सारी की सारी आ गई और कहा कि आप हैं और अब आप ही हैं और आपने अगर कबूल ना किया तो हम शिकायत करेंगे, हम शिकायत करेंगे। तो अली ने हुकूमत कबूल कर ली और बायत होने लगी, बायत हो रही थी अली की। तो अली ने जब खिलाफत कबूल की है तो उस वक्त अली का मयार ज़िंदगी क्या था ये देखने की ज़रूरत है। उस वक्त अली का मयार ज़िंदगी क्या था? अली ने आखिरी वक्त जो खुतबा दिया अपने 4.5 साल के बाद, जब बिल्कुल आखिरी वक्त खुतबा दिया तो अली ने अपनी शहादत से पहले जो खुतबा दिया रमज़ान में जो बातें कर रहे थे, तो अली ने कहा तुम सब गवाह हो कि मैंने इन 4.5 सालों में ईंट पर ईंट नहीं रखी। अली का जुमला भी नहीं समझेंगे तो आप कहाँ बैठे? इतना मुश्किल जुमला नहीं, मौला अली का जुमला है, कम अज़ कम सबको इसको पिक करना चाहिए। मैंने ईंट पर ईंट नहीं रखी, यानी कोई इमारत नहीं बनाई, कोई बंगला नहीं बनाया, कोई जायदाद नहीं बनाई, बैतुल माल में से माल हड़प नहीं किया, सबसे बढ़कर किसी के बाग पर कब्जा नहीं किया। वो तो फरमाया। अब अली का मयार जिंदगी, जो अली का मयार जिंदगी दौरान खिलाफत था कि जब अली सरबराह वाली रियासत, वाली रियासत, तो इतना फटा हुआ लिबास, वो सीधा आवा पहने हुए, लिबास भी फटा हुआ, उसमें पैबंद लगे हुए, लिबास में पैबंद लगे हुए और जूतियां जो है नालैन उसके पैबंद। एक सरबराह मुमलिकत खुद अपनी जूतियां टाक रहा, अली को समझना आसान। एक सरबराह मुमलिकत, मैं चूंकि कैपिटल में बैठा हूँ तो शायद कहीं किसी हवा के दोष पर होती भी तकरीर किसी के कानों से टकरा जाए, या शायद कोई यहाँ पर बैठा हो भला आदमी और जाके इन चीज़ों को बताए कि एक सरबराह मुमलिकत का मयार क्या होता है। फटी हुई जूती पहने हुए, बोसीदा नालैन पहने हुए, बेवंद लगा लिबास पहने हुए, बोसीदा अबा पहना हुआ अली। और ऐसे में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि मौला लिबास तब्दील कर लें, नया लिबास पहन लें, आप नया लिबास ले सकते हैं, ले लीजिए। तो कहा कि सुनो इब्न अब्बास, अल्लाह ने एक सरबराह मुमलिकत के लिए वही मैयार वाजिब करार दिया जो उसकी रियाया में सबसे कम तरीन फर्द का मैयार होगा, सबसे पस तरीन का जो मैयार होगा। तो मालिक जो है, सरबराह जो है, उसको उसी तरह रहना है जैसे एक भूखा इंसान रह रहा है। का इसलिए भी ताकि अमीरों को इबरत हासिल हो, अमीरों को भी इबरत हासिल हो कि उन्हें गरीबों का ख्याल रखना। जूतियाँ अली टाक रहे और अली सरबराह मुमलिकत। तो कह दिया कि अच्छा ये चप्पल ही बदल लें। इब्न अब्बास ने कहा कि नाले की दूसरी ले लें, इसमें तो टाका लगने की गुंजाइश भी नहीं, खुद जूतियाँ टाक रहे, इसमें तो अब टाका लगने की गुंजाइश भी नहीं, कि अली कोई नई नाले ले लें। अब अली जलाल पे आया, अली ने अपनी नाले की तरफ इशारा किया और इब्न अब्बास और सबको मुखातिब करके कहा खिलाफतुकुम अज़हद इंदी मिन शिस्से हादिहि नार। तुम्हारी खिलाफत और तुम्हारी खिलाफत का तख्त मेरी इस नालैन से कहीं पस्त है। वली मवाली अलाली सब भी पहचान तो फरमाया, कहा कि मेरी इस नालैन से भी तुम्हारी खिलाफत का तख्त पस्त है, तेरी नालैन बरतर है। कहा इसलिए कि तुम्हारे खिलाफत के तख्त पर इंसान बैठते हैं। तो मुकम्मल करो, तुम्हारी खिलाफत के तख्त पर इंसान बैठते हैं और इस नालैन में अब्दे खुदा का पांव गया हुआ है। नालैन में अली के पांव गए हुए, इसलिए ये नालैन ज्यादा अहमियत रखती है, ये नालैन ज्यादा अहमियत रखती है। यकीन फरमाएं, अली की नालैन कोई मामूली नालैन नहीं। अली का शागिर्द है जिब्राइल, अली का शागिर्द है जिब्राइल, अली का शागिर्द है जिब्राइल। पहले 5 आदमियों की आवाज़ आई, दूसरे जुमले में 3 आदमियों की, तीसरी मरतबा जो पढ़ा तो एक ही आदमी की आवाज़। अली का शागिर्द है जिब्राइल। अब आपको याद होगा कि जनाब मूसा जब दरिया पार कर गए, नील पार कर गए, और कौम भी नील पार कर गए, याद होगा आपको, तो पीछे पीछे एक सवार था घोड़े पर, और वो घुनूर के घोड़े पर सवार था। जहां उस घोड़े के सुम पड़ते थे उस जगह की खाक नूर की खाक रेत नूर की तरह जगमगाती थी। सामरी ने देखा, सामरी ने मंजर देखा कि एक जवान सवार है और जिस घोड़े पर सवार है उस घोड़े के सुम जहां पड़ते वो खाक नूरानी हो जाती, नूर की तरह जगमग करती। तो जहां जहां उसके सुम पड़ रहे थे वो सामरी उसकी खाक उठा उठा के जमा करता जाता था। उसे मालूम था ये खाक मोजिज नुमा है, ये खाक मोजिज नुमा है। तो भाई जिब्राइल अली का शागिर्द, उस घोड़े पर हमारे आइमा ने बताया कि जिब्राइल सवार थे और सवारी का घोड़ा जिब्राइल का घोड़ा था। तो जिब्राइल जिस अली का शागिर्द है उसकी सवारी के घोड़े के सुमों में ये बरकत है कि उससे नूर साजे होता है, तो क्या अली की नालैन में ये बरकत नहीं होगी? तो अली की नालैन किस मंजिल पर होगी, अली की नालैन किस मंजिल पर होगी? तो ये है अली जिसने खिलाफत के मयारात सख्त किए, जारी किए, जिसने रियासत के मयारात जारी किए। तो अली ने अपने दौरे हुकूमत में आदल किया, इंसाफ किया, और ये बात तय कर दी गई, लिख दी गई कि पिछले जो कत्ल किए गए वो इस वजह से कत्ल किए गए कि आदिल न कर सके, और अली को कत्ल किया गया इसलिए कि अली का आदिल उम्मत से बर्दाश्त ना हो सका, अली का आदिल उम्मत से बर्दाश्त ना हो सका। तो अली आदिल उम्मत भी है और आलिम उम्मत भी। तो अब मुसलसल अली का तारुफ कराया। तो मैंने इसलिए अर्ज किया कि अली के जिक्र पर पाबंदी गोया उसवा रसूल पर पाबंदी थी, कि अगर वही उसवा और अली को उसवा रसूल का नुमाइंदा मान लिया गया। परेशान तो नहीं हो रहा है? थोड़ी सी आज मैं फिक्री तदवीर आपके हवाले कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड हो जाए कि अगर अली को उसवा हसना का नुमाइंदा और उसवे हसना का जारी करने वाला तस्लीम कर लिया गया तो फिर हमें भी वैसी ही ज़िंदगी गुजारनी होगी जैसे रसूल ने गुजारी। तो शाम वाला नहीं चाहता था कि उसवे रसूल की बातें शाम तक पहुँचे, इसलिए कि पुरतायुश ज़िंदगी गुजारी है शाम वाले, पुरतायुश ज़िंदगी। और मैं ये बात आपके सामने अर्ज कर देता हूँ कि कालीनों पर बैठना, क्योंकि रोम और शाम की सरहद मिली हुई थी और बादशाह रोम से इसके ताल्लुकात भी हो गए थे और बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ईसाइयों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, यहूदियों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जबकि कुरान कह रहा है कि यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं है। तो वहाँ से उसने बहुत सी चीज़ें इम्पोर्ट की, कालीनों पर बैठना, कालीन पर चप्पल पहन के, जूते पहन के चलना, सोफ़ा, जितने सोफ़े सेट, ये सब पुरतायुश जो जितनी भी ज़िंदगी के मामला हैं वो सब रोम से इम्पोर्ट हुए, डाइनिंग टेबल ये सब रोम से इम्पोर्ट हुए, नहीं तो रसूल तो दस्तरखान पर बैठ के खाते थे, रसूल तो हाथ से खाना खाते थे। क्या आपके इल्म में नहीं? रसूल हाथ से खाना खाते थे, मट्टी के गूजे में पानी पीते थे, मट्टी के गूजे में पानी पीते थे, देख रहे हैं आप? तो रसूल की सवान हयात एक सरबराह है मुमलिकत की कैसे होनी चाहिए वैसे रसूल ने गुजारी और फिर वही सवान हयात अली ने अपनाई, अली ने अपनाई। तो रसूल ने 23 बरस अली का तारुफ कराया, अली को दिखाया, और ये रसूल ने अपनी तरफ से नहीं दिखाया। आखिरी जुमला फजाइल का आपके हवाले करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं दिखाया। रसूल जब जा रहे हैं तबलीग के लिए और पहली मरतबा तबलीग के लिए निकले और जा रहे हैं कुफ्फार अरब के सामने, तन्हा जा रहे थे, अकेले जा रहे थे, तो अल्लाह ने कहा हमसे मदद मांग के जाओ। अब बता रहा हूँ अली कहाँ से दिए गए रसूल को, अली कहाँ से आए, अली किसका तोहफा है रसूल की तरफ, किसका तोहफा है रसूल की तरफ। कहा जा रहे हो हमसे मदद मांग कर जाओ। कहा परवरदिगार बता कैसे मदद मांगूं। कहा हाथ उठाओ और जो हम कह रहे हैं उसको दोहराओ। हाथ उठाए। कहा परवरदिगार बता। कहा कहो रब अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कहा परवरदिगार मेरे लिए अपनी तरफ से मददगारों का सुल्तान भेज दे जो मेरा हर मामले में मददगार रहे, किसी मामले में भी पीछे न रहे, हर मामले में मददगार रहे। तो जब अली जैसा मददगार आया तो रसूल चले तबलीग के लिए, तो रसूल चले ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि ज़रूरी था रसूल के साथ अली का निकलना। जुमला बहुत बड़ा आपके हवाले कर रहा हूँ और आखिरी आदमी तक जुमला सुनिएगा। ज़रूरी था रसूल के साथ अली का निकलना, जैसे ज़रूरी था मूसा के साथ हारून का निकलना, जैसे ज़रूरी था मूसा के साथ हारून का निकलना। जब मूसा गए हैं और फिरौन के दरबार में तो हारून साथ, इसलिए कि मूसा ने दुआ मांगी थी कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। परवरदिगार मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे। तो अब वहाँ पर भी मूसा के साथ हारून का जाना ज़रूरी था। अब मैं जुमला मुकम्मल नहीं करूँगा, यहाँ पर आकर मुकम्मल करूँगा। इधर अली का रसूल के साथ जाना ज़रूरी था, इसलिए कि कलमा मुकम्मल पढ़ाना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो ना तीसरा जुमला, अलीयुन वलीयुल्लाह, यानी नबी के साथ वजीर का होना जरूरी। तो फरमाई यानी कलमा जाए तो मुकम्मल जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का तो पैगाम जा ही रहा है, अल्लाह तो साथ है ही, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह और साथ में अली वलीउल्लाह। तो अली को ले जाना हिकमतन भी ज़रूरी था और कुदरतन भी ज़रूरी था, इसलिए कि वहाँ से बच्चों को भेजा गया रसूल के मुकाबले पर। भाई सुना हुआ मामला है आपका, उधर से अबू लहब ने, अबू जहल ने बच्चों को तैयार किया कि जब रसूल आ जाए, जब इब्ने अब्दुल्ला आए तो तुम पत्थर मारना, गुठलियाँ मारना, कंकरबाजी संगवारी करना, और कोई अगर पूछेगा तो हम कह देंगे बच्चों ने किया और बच्चों से क्या बात पूछ। तो अब सियासत इलाहिया यही थी कि बच्चों का जवाब बच्चे ही से दिया जाए। 10 बरस के अली, 10 बरस के अली चले रसूल के साथ, रसूल लहुलहान होके आए तो दूसरे दिन से अबू तालिब ने कहा अली अब तुम साथ जाना, अली आज से तुम साथ जाना। तो अली को भेज दिया। तो बाप कम से कम ऐसा तो हो कि उसे बचपन ही से बेटे के कुव्वते बाजू पर इतना एतबार हो कि वो रसूल की हिफाजत के लिए अपने बच्चे को भेज दे। और ये भी नहीं कि खुद जा रहे हो, बता दिया अली काफ़ी है। जुमला बहुत बड़ा आपके हवाले कर दिया। अबू तालिब कह रहे अली काफ़ी है, अली काफ़ी है, रसूल के लिए अली काफ़ी। अल्लाह तो साथ है ही। अब अल्लाह की तरफ से मददगार अली बन गया। चले, उधर से बच्चों ने पत्थरबाजी शुरू की, इधर से अली एक एक बच्चे के पास गए, किसी की लात तोड़ी, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का कंधा तोड़ा, किसी के सर पे जख्म लगा दिया, किसी के सर पे जख्म लगा दिया, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पाँव तोड़ दिए। अब सब आए अबू तालिब से शिकायत करने के लिए, तो अबू तालिब का वही जवाब था, सब बच्चों की बात है। अली को बुलाया, अली इधर आइए। जी बाबा, आपने इनके बच्चों को मारा? कहा जी बाबा मारा, बिल्कुल मारा। कहा क्यों मारा, क्यों मारा इनके बच्चों को? कहा कि मेरे भाई जब तबलीग के लिए निकलते हैं तो ये बच्चे उनको मारते हैं। कहा अली मोहम्मद की हिफाजत के लिए मारा है? कहा। कहा फिर क़यामत तक मारते रहना, मैं कुछ नहीं। सलामत रहे आप। तो आपने देखा कि अली हमारी रगों में बसे हुए हैं, अली हमारे हसब नसब की हिफाजत पर मामूर है, अली हमारे शजरों की पाकीज़गी पर मामूर है, अली का नाम हमें तर व ताज़गी अता करता है, अली का नाम हमें फ़ख्र व नाज़ की मंजिल पर ले आता है कि हम अली के मानने वाले हैं, किसी दनी के मानने वाले नहीं, अली के मानने वाले, किसी दनी के मानने वाले नहीं, किसी कमतर के मानने वाले नहीं। अली आला ने जिसको अली कहा, नाम तो अली था, लुगत में लिखा हुआ था, सबसे पहला अली तो अल्लाह है ना। अल्लाह ने जो सबसे पहले अपना नाम रखा वो था अलीउल अज़ीम। कुलैनी ने उसूल काफ़ी में ये बात लिखी हुई कि अल्लाह ने जो सबसे पहला मखलूक के लिए अपना नाम रखा वो था अलीउल अज़ीम। तो नाम तो अलीउल अज़ीम अल्लाह का था, अली तो नाम था, अल्लाह का नाम अली था। उसके बाद ये नाम पर्दे में चला गया, गैब में चला गया। वो अलग बात है कि कल नाम गैब में था, आज का अली गैब में है। नाम गैब में रहा, नाम था अरबी का, अरबी नाम था, अरबी में नाम था अली, लेकिन अल्लाह ने ये नाम सबकी निगाहों से छुपा दिया था कि सबसे पहले मेरे बाद अगर कोई अली होगा तो वो बिन्ते असद का बेटा होगा, तो अबू तालिब का बेटा होगा। तो अली हमारी रूहों में बसे हुए हैं, हमारी ज़िंदगी का नाम है अली, हमारे नुकूश तरबियत का नाम है अली, हमारे एतबार का नाम है अली, हमारे एतमाद का नाम है, हमारे अक़ीदे का नाम है, हमारे यकीन का नाम है अली, हमारे मुश्किल कुशा का नाम है, हमारे हाजत रवा का नाम है, हमारे लजपाल का नाम है अली, हमारे सखी का नाम है अली, हमारे करीम का नाम है अली, हमारे अंदाता का नाम है अली, हमारे नाखुदा का नाम है अली, नुसैरी के खुदा का नाम है अली। सलाम ओ भी अमान। शहनशाह तुहाडे आण ते होण खुशियां दे ऐलान, लखे खैर थिवी पा खानदान। हक या अली फरमा रहे ना, तो इसलिए ज़रूरी है ज़िक्र अली किया जाए। ज़िक्र अली ज़िक्र कुरान, ज़िक्र अली ज़िक्र रसूल, ज़िक्र अली ज़िक्र मुस्तफ़ा है, ज़िक्र अली ज़िक्र तफसीर है, ज़िक्र अली ज़िक्र शरीयत है, ज़िक्र अली ज़िक्र फ़िक़्ह इस्लामी है, ज़िक्र अली ज़िक्र अदल व इंसाफ है। और इसीलिए हुसैन ने अपने हर बेटे का नाम अली रखा, बेटे का नाम अली रखा। हजरत अल्लाह हुसैन ने हर बेटे का नाम अली रखा। यही पूछा गया दरबार में मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन से, पूछने वाले ने मलऊन ने पूछा कि ये कौन है जवान? किसी ने कहा अली इब्न हुसैन, हुसैन का बेटा अली। तो यजीद मलऊन ने कहा कि क्या अली कत्ल नहीं कर दिए गए करबला में? कहा नहीं, वो अली और थे, मेरे बाबा ने सब बेटों का नाम अली रखा है। अगर 100 बेटे देता मेरे बाबा को, तो मेरा बाबा हर बेटे का नाम अली रखता। इतनी मोहब्बत है आइम्मा को अली के नाम से, ज़िक्र अली से इतनी मोहब्बत है। और अगर हमारी कौम के कुछ लोगों को ज़िक्र अली बार लगता है कि मजालिस में वो नाम अली लेते हुए शर्माते हैं, या तकरीर करते वक्त नाम अली ज़िक्र अली लाते हुए शर्माते हैं, तो उनको आज़ादी है कि जैसे आप अज़ाखाने के अंदर आ गए, आप कहीं और भी कोई बज़्म सजा सकते हैं। ये मिंबर क़दीर का मिंबर है। हर इमाम को ज़िक्र अली बहुत पसंद है, तो इमाम ज़माना को भी ज़िक्र अली पसंद है। मेरे वक्त के इमाम को, वक्त के अली को भी, वक्त के हुसैन को। तो पर्दे ग़ैब में है वही वक्त का हुसैन, वही वक्त का अली, वही वक्त का सफ़ीरुल्लाह है, अल्लाह का सफ़ीर है। ख़त्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीज़ों। 15